गुड मॉर्निंग। ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट करके बताओ इसको क्या बोलते हैं। मेरे को भी नहीं पता था क्या बोलते हैं। इसे खड़ा खोद करके पौधे लगाए जाएंगे जी, कोई पाम के, कोई अशोक का के, कोई कैसे कोई कैसे। ग्लोक उड़ पाड़ देगा, आंगन कर ले यार, थोड़ा सा आंगन कर ले, ग्लोक पाड़ देगा यो, थोड़ा आगे करवा ले फिर। तू तो घना बड़ा है यार, नहीं ना ब्लॉक है, थोड़ा बैक थोड़ा आड़न कर ले। बस बस, क्या नाम इसका है, क्या नाम बताया? ओगर है, ओगर नाम है भाई इसका। अब ये भाई साहब न्यू करो कर रहा है, देख काली मट्टी आ गई कि नहीं आ गई। गेट बंद करिए इसमें, इधर उधर तो खतरनाक चीज है यार। या तो मन नहीं को मेरे तो न्यू काट दोगे। अच्छा ठीक है, गेट अभी से देख लो भाई। और इस साइड करवाना है क्या है? थोड़ा और इस साइड करवा ले यहाँ पे। हाँ आड़ लगा दे, दो लगा दे भाई। ओहो हो, दूर तक हटना पड़ेगा भाई। तेरा भला हो जाए, इतनी सफाई करी थी यार हमने तो। ये लो जी, इतने बड़े बड़े खड़े हो गए। ये आया खड़ा मेरे यहां तक। ओ भाई साहब, खतरनाक योद्धा है तो यार। वो मिट्टी लगाने वाला बोला था कि नीचे काली मिट्टी होनी चाहिए, हाथ से काली मिट्टी निकलती नहीं, नीचे नीचे वाली काली मिट्टी आ गई। अब इसके जड़ सीधी काली मिट्टी में लगेंगे। घना दूर तक छिड़का मारा है। देखिए तबाही मचा दी है, दो मिनट में ही आकर के एक पौधा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इस साइड सात है क्योंकि आगे हमने वो कपड़े कुपड़े रखने के लिए कुछ बनाने के लिए रख, तो यहाँ पे नहीं करवाया। सात आठ पंद्रह हो गए जी। ये यहाँ पर अशोक के पौधे लगाएंगे। चारों तरफ मिट्टी मिट्टी लगा दी भाई साहब, नलके से नलके लगा करके पानी झाड़ना पड़ेगा इसका। डोगी आ जा, दोबारा से एंट्री मरवा दिए जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए, इनके बीच में एक एक को मरवाएंगे, बीच बीच के एक एक को मार दे सारा के। लगेगा लगा, अब ये गहरे हो जाएंगे भाई। ऐसे लगेंगे खड़े से खड़ा मिल करके जम्मा बिल्कुल। अब एक और थोड़ी मोटी मिट्टी पड़ेगी वो निकल जाएगी। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, यस ये सही है। हाँ ऐसे चलेगा प्रोग्राम। अब ऐसे घर में एंट्री मारेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पौधे लगे हुए मिलेंगे। अब गैप सही है, पहले गैप बड़ा बड़ा था, अभी भी ये खड्डे खुद रहे इसलिए लग रहा है, क्योंकि पौधे जड़े एक यहाँ पर आएगी एक यहाँ पर आएगी, तीन फुट का गैप अभी भी है, तीन से ज़्यादा का मिलेगा, ये कम का नहीं है। मिट्टी काली मिट्टी निकाल दी भाई साहब, हाथ से लगाते तो ऐसा काम बनता नहीं, मशीन काम अच्छा करती है। घरा खोद दिया, खाद खूद डालनी जुड़ती नहीं, अब सीधे पौधे लाने हैं रोपने हैं, बस काम फारिक।
ये सुपर ट्री के आगे जा रहे हैं, ये आम के पेड़ है, अरिका पाम बोलते हैं। नर्सरी से गाड़ी फुल करवा ली है और ये गाड़ी अब पौधों के अपने घर पे पहुंचने वाली है। अभी चलते हैं, गाड़ी हमारे पीछे पीछे आएगी। पौधे लगे हैं ना, पौधे लगने के बाद जो ग्रीनरी उत्पन्न होती है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। जी अब सिस्टम समझ में आएगा। वहाँ तक गैलरी में रख दिए। ये अरिका पाम है कुछ, ये इसको बोलते हैं रबड़ प्लांट, ये हो गए, वो हो गए, ठीक है, ये लगाए जाएंगे, अभी लगाए नहीं है। अब इसकी हाइट उसकी हाइट सेम कर दिया, इसमें और बुरूंगे खत्म करना ही था, तो सोचा हमने ये काम खत्म करके फटाफट लगा ही दिए। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हैं, अब खाना खुना खाएंगे, एक और रहता भाई। जब तक राजू और शाम नहीं आते थे तब तक मस्त सो लेता हूँ, फिर उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। इतनी धूप में खड़ी है तू, तेरे को गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है तो फिर चला जा जी। गाड़ी अंदर बाड़ के खड़ी करके दिखा देता हूँ एक बार कि गाड़ी अंदर कैसे बाड़ी जाती है। ये देख लो जी, ऐसे बाड़ी जाती गाड़ी अंदर, ऐसे खड़ी कर दी जाती है, ऐसे हैंड ब्रेक लॉक करके और ऐसे चाबी निकाली जाती है। एक बार भी मेरे से निकली नहीं, दूसरी बार मेरे से चाबी निकली है। ये देखो जी, बैठे मेरे बैठे। सच में पौधा तो लुक अलग ही हो गया है ना एकदम में, पौधा लगाने के बाद रॉयल्टी फीलिंग आ भरी है तो रित जाएगी। पौधा मंगा लेते हैं, बताई बता दूँ एक मिनट में, भरी ना है हाँ हाँ जी कर दें, यो सारा पौधा पानी गाल दें, कुछ लगाया बस आदत रह रहा है। चल तो चाप जाता हूँ आ जा। दादाजी लगते हैं आपके, अड़ा दी भाई स्क्रैच मार दी। ले बेटा सिर पुचकार दूं तेरो, पुचकार दो पुचकार दो, पैर छू गोड़ा नहीं लियो है।